एक कौन सा लेक्चर होगा? हेलो, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब है, बंद कर लीजिए। लेक्चर 9। लिखते रहिएगा, फिर मैं समझा रहा हूँ। शॉर्टकट लिख दिया एक्वस को, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में बिल्कुल सही से करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, तक किसी भी सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो उसमें आयंस और पार्टिक मॉलिक्यूल्स जो भी रहेगा उसके बीच में एक रेस होगा, या तो रिडक्शन का नहीं तो ऑक्सीडेशन का, राइट? तो आपके हाथ में कितना पार्टिकल था सर? Na प्लस था, Cl माइनस था, H प्लस था, OH माइनस था और वाटर था, राइट? बट अगर हम लोग एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं और स्पेशली तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वा सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, ठीक है एवरीवन? और न्यूट्रल सोल्यूशन में 25 डिग्री C पे, स्पेशली एट 25 डिग्री C, एच प्लस और ओ एच माइनस का अमाउंट 1×10⁻⁷ होता है। तो मान लेते हैं कि मैंने Na प्लस का, लेट अस सपोज, अगर Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 mg भी लेते हैं, करेक्ट, तो आपको तो लगेगा सर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन है Na प्लस का, 0.1 mg ही है, राइट? बट आप अगर इसके साथ कंपेयर कीजिएगा इस वैल्यू, एक मिनट, हाँ हाँ मैं उसी पॉइंट को भी लिखा नहीं हूँ, जस्ट शुरू किया हूँ, यहाँ से भी सुनना स्टार्ट कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए, तो ड्यू टू वेरी लो कौन सा, तो अभी सिर्फ लेट अस सपोज अगर मैं लेता हूँ Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 mg अगर लेते हैं, पकड़ते हैं, मान लेते हैं जिसका मैंने सॉल्यूशन बनाया। ओके एवरीवन, भास्कर, इरिना, तो 0.1 जो वैल्यू है वो इसके रेस्पेक्ट में 10 लाख टाइम ज़्यादा है, राइट? वो वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में कितना टाइम ज़्यादा है? आपको देखने से लग रहा था कि 0.1 है, बट जब इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, राइट? तो इसका अमाउंट और उसके अमाउंट को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका अमाउंट को सिंपली क्या करेंगे, इग्नोर। दिस इज द वजह कि मैंने क्या बोला कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जाएंगे तो मेरे हाथ में, आप खुद दिमाग दौड़ाइए, मेरा छोड़िए, एक्वस का मतलब हो गया वाटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और
आज के बाद कोई भी सोल्यूशन जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ पे एच प्लस ओ एच माइनस रहेगा। मैंने बोला कि इसका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल रहेगा मतलब जितना एच प्लस रहेगा उतना ओ एच माइनस रहेगा, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ m, इज इट राइट? करेक्ट ना? तो भाई इस दिस इज द रीजन कि इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। इसका मतलब आज के बाद अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो उस न्यूट्रल सॉल्यूशन में एच प्लस और ओ एच माइनस को लेकर नहीं सोचना है इलेक्ट्रोलिसिस में। पहला पॉइंट तो आपने आज यही सीखा, राइट? तो सर इसको रिजेक्ट कर दिए तो फिल्टर होकर आ गया मेरे हाथ, सब लोग ध्यान से समझिएगा, फिल्टर होकर आप मेरे हाथ में आ गया तीन पार्टिकल, करेक्ट? अब हम लोग इसमें पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, पिछले क्लास में यहाँ पर ही छोड़ा था, ठीक है? पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ऑक्सीडेशन होने का, करेक्ट ना एवरीवन? तो ऑक्सीडेशन का पॉसिबिलिटी खोजेंगे तो भाई इसका ऑक्सीडेशन फर्दर होगा, तो ऑक्सीडेशन के रेस में आउट हो गया, इसका होगा ही नहीं। सोडियम का तो प्लस वन मैक्सिमम है, राइट? और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब सर ऑक्सीडेशन के लिए इसको नहीं सोचना है, तो जब इसको नहीं सोचेगा तो आपके हाथ में बचा क्या? Cl- का सर हो सकता है, Cl- माइनस वन से जीरो, प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन तक जा सकते हैं, तो सर इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है, करेक्ट? इसका मतलब ऑक्सीडेशन होने के लिए मेरे हाथ में बचा Cl- एंड वाटर, करेक्ट? और रिडक्शन होने के लिए आपके हाथ में क्या रहेगा बोलिए? रिडक्शन क्या Cl- माइनस का, एक मिनट लेट मी फिनिश। Cl- माइनस साजिद क्वेश्चन बैंक डिस्कशन क्लास ज्वाइन करते हैं, कर लीजिएगा, फिर दोबारा ये नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत सारा क्लास देते हैं उसके बाद सर ये नहीं हुआ, डिस्कशन क्लास बहुत एक एक प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं टीचर सर, राइट? और बहुत बढ़िया क्लास लेते हैं वो, तो करके समझ में आ रहा होगा, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारा क्लास लगा दूंगा। और वैसे ही सेम सीक्वेंस में मेडिकल का भी क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट वीक से डिस्कस करूंगा, और होपफुली सब लोग बना के रेडी हो गए होंगे मेडिकल का क्वेश्चन बैंक, राइट? अभी तक तो रेडी ही होंगे होंगे, कोई लॉजिक नहीं बचता है कि हाँ नहीं किए हैं, जो टॉपिक पढ़ा दिया गया उसका कर लिए होंगे। चलिए, तो रिडक्शन होने के लिए आपके, मैं जियोलॉजी के मैम से बात किया तो वो लोग तो बोले कि सर मैं सो मेनी टाइम्स मैसेज किया हूँ, बच्चे डाउट नहीं भेजते हैं, और आप लोग बोलते हैं कि सर डाउट क्लास बहुत सारा है, डाउट है। हाँ तो वही बात है ना, आप देखिए सब लोग भेज दीजिए, मैम को ऐसे मैं बोल दिया हूँ कि बच्चों को बोल दीजिए कि 7 डेज के अंदर भेजना है, नहीं तो उसके बाद मैं अपना जिसका भी डाउट रहेगा क्लियर करके फिर स्टॉप कर दूंगा, करेक्ट? जो नहीं भेजते उसके लिए उनके लिए वेट थोड़े करेंगे। चलिए, रिडक्शन होने के लिए इसका तो रिडक्शन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर माइनस वन से नीचे नहीं जा सकते हैं, क्लोरीन हैलोजन का मिनिमम माइनस वन ही होता है, राइट? और रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ए रेस से आउट हो गया। इसका रिडक्शन हो सकता है सर, इसका रिडक्शन हो सकता है, करेक्ट ना? तो इतना बढ़िया से सुरैया ज्वाइन किए हुए हैं, आप क्वेश्चन बैंक क्लास करते हो? हाँ क्लास करते रहना है, उसमें सर सारा सब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, ओहो प्लीज याद दिलाइएगा स्टूडेंट, आज आप में से कोई मुझे याद दिलाइएगा सर ड्रॉपर बैच का कुछ बच्चों, आप में से जो लोग चाहते हैं मैं ज्वाइन कर दूंगा अपना फिजिक्स का 12th क्लास में, ठीक है? प्लीज़ मुझे पर्सनली आज मैसेज कर दीजिएगा जो लोग चाहते हैं क्लास करना इलेक्ट्रोस्टेट का, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम उसमें, कल ही मैं सारा इरोडो का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और अभी उसमें डाइपोल मोमेंट पढ़ाने वाला हूँ, और डाइपोल वहाँ से एटलीस्ट साथ हो जाइए, तो ठीक है? अब यहाँ देखते हैं, तो अब बताइए स्टूडेंट इन दोनों में किसका रिडक्शन होगा वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो सर जनरल जो थॉट है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, इज इट राइट? रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, राइट? तो इन दोनों का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे,
और इन दोनों का हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे और इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों में इनिशियली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसको ऑक्सीडाइज होने का, एनोड में जाने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। इज इट करेक्ट? इनिशियल थॉट तो यही रहेगा ना कि भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसको ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा। तो अगर रेस में है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो पहले इसके लिए इसको लेकर सोचेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या होता है। जिसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसको रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो रेस में आगे निकल जाएगा कैथोड पर जाने के लिए। राइट? समझे नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा इसमें बहुत कुछ आपको समझा देना है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस जब करने के लिए दिया जाता है तो करेक्टली ऐसे चीज़ों को एनालाइज करना है। और जब तक इलेक्ट्रोलिसिस में प्लेट पे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा तब तक आप न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए, पहले रिडक्शन के लिए बात कर लेते हैं। Na प्लस एक्वस अब प्लस इलेक्ट्रॉन, Na सॉलिड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.7 एनवोल्ट। इट करेक्ट? और अगर वाटर का रिडक्शन करते हैं, अब आप में से इसका आंसर सुरैया देंगे, अगर वाटर का रिडक्शन होगा तो वाटर में भी कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा रिडक्शन के लिए? अगर मैं बोलता हूँ वाटर का रिडक्शन करने वाला हूँ तो वाटर में भी किसका रिडक्शन होगा? क्या वाटर में ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा? ऑलरेडी -2 पे है भाई, होगा -2 से -3। तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि वाटर का रिडक्शन करना है तो वाटर में किसका, तो वाटर में रिडक्शन सर करेंगे तो ऑक्सीजन का नहीं हो पाएगा, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। राइट? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी लोएस्ट में है, -2 में है, तो -2 से -3 नहीं जाएगा। राइट? तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया, ओके सर वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। करेक्ट? पहला पॉइंट। देखिए तो बैलेंस है, अब यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्टिव, आज के बाद वाटर का रिडक्शन होगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? वाटर का रिडक्शन होगा तो सॉल्यूशन आपका बेसिक होता जाएगा। राइट? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या निकलेगा, क्या प्रोड्यूस होगा, OH-। ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव आएगा वाटर का रिडक्शन करते हैं तो योर सॉल्यूशन का, आपके सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कम होगा या ज़्यादा होगा? तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा तो पीएच ज़्यादा, बेसिक कैरेक्टर कम तो पीएच, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एनीवे, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है -0.83। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा किसका रिडक्शन होना चाहिए, इन दोनों में रेस में कौन आगे निकल जाएगा? ये वैल्यू बड़ा है सर, ये वैल्यू छोटा है। राइट? समझ गए? तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, मतलब कौन सा, कौन स्पॉन्टेनियस रहेगा। राइट? स्पॉन्टेनियस तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग ये सब बताते हैं, तो एक्चुअल में इसके पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या इलेक्ट्रोलिसिस में वाट एवर, इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड रहता है एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स। ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं तो इसके पीछे का मेन स्टोरी रहता है कि किसमें एनर्जी का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा आप चार्जिंग कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका सिस्टम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करे, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मुझे एनर्जी ज़्यादा मिले बैटरी से। राइट? तो सारा गेम तो किसका है, एनर्जी बैटरी में एनर्जी का। तो दिस इज द वजह कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसेस होगा या नहीं होगा उसको डेल्टा जी से कंट्रोल करते हैं। करेक्ट ना? स्पॉन्टेनिटी, इसका मतलब जो भी हम लोग यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल को देखकर अगर बात कर रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल को देखकर डिसाइड करने का मतलब कि इनडायरेक्टली हम लोग थर्मोडायनेमिक फैक्टर देख रहे हैं। करेक्ट एवरीवन? याद रहेगा ये बात कि हम लोग जो पोटेंशियल देखकर बात कर रहे हैं इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, स्पॉन्टेनिटी चल रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है, मतलब थर्मोडायनेमिक चल रहा है।
तो चलिए इसमें किसका रिडक्शन करना है, किसको रिजेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल, आ इसको सेलेक्ट करेंगे। तो H2OH माइनस प्लस H2 इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया फाइनली। इसको हटाएं, चलिए ऑक्सीडेशन किसका किसका करना था। तो सर ऑक्सीडेशन या तो Cl- का होगा नहीं तो वाटर का होगा, Na+ का तो होगा नहीं, राइट। तो ऑक्सीडेशन का अगर पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं तो Cl- कन्वर्टेड टू हाफ Cl2 अब प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट। और नेक्स्ट आपको बताना है एवरीवन, अगर वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वाटर में हु इज रिस्पॉन्सिबल। वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्रैश कोर्स के बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा ऑक्सीडेशन के लिए? हाइड्रोजन नहीं रहेगा सर, हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी +1 में है, राइट। फर्दर इंक्रीज करेगा तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया इस। और यहाँ पे तो सर यहाँ पे वाटर में और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन होगा, इसका मतलब -2 से क्या हो सकता है? तो सर -2 से -1 भी जा सकते हैं मोटा मोटी, नहीं तो 0 में भी जा सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन का -2 से 0 जाएगा मतलब ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, राइट। बोलिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे एक ऑक्सीजन का देखिएगा, एक ऑक्सीजन वन ऑफ द एटम अगर -2 से 0 होता है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सीजन अगर -2 में है, यहाँ से बोल दिया कि 0 में आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। तो यहाँ पे दो, इस पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? सर 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, ओके। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे वैल्यू जो मेंशन है -1.23, इज इट करेक्ट? बट थोड़ा अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सील माइनस का, राइट। थोड़ा का डिफरेंस है बट बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। एक होता है ना आधा आधी गैप, 100 है तो 50 है, तो थोड़ा एकदम 50% का गैप हो जाता है, राइट। एनीवे और दूसरा बात आप क्या सीखे कि सर वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एज टाइम पासेस अगर वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर को अगर तोड़ते हैं और अगर ऑक्सीडेशन वाटर का होता है आपका मीडियम एसिडिक होते जाएगा, राइट। मतलब पीएच कम होते जाएगा, पहले ये भी बात तो सीख लिया, ये भी ऑब्जेक्टिव बन गया। और तो आज के बाद वाटर का रिडक्शन होगा, यहाँ देखिए वाटर का अगर रिडक्शन होगा ये हो गया RaHe का मतलब कैथोड का, वाटर का रिडक्शन होगा मीडियम अल्कलाइन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा मीडियम एसिडिक होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वी शुड बी गो एट एनोड, किसको जाना चाहिए एनोड के प्लेट पे किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। कैसे भाई मैं मैं तो आज तक पढ़ा हूँ कि -2 और -4 में -2 बड़ा है, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो आप देखिए तो -1.23 और -1.3, मेरा स्टेटमेंट क्या था? मतलब जो पहले से रटे हुए उसी को आंसर दे दिए, मैं वहाँ पे अभी तक आया ही नहीं हूँ। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वी शुड बी, जाएगा नहीं जाएगा दूसरी बात है, वी शुड बी गो एट एनोड, जाना चाहिए वाटर को, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ये होना चाहिए था, लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मतलब अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर शुड बी गो एट एनोड, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वाटर शुड बी ऑक्सीडाइज्ड
वाटर शुड बी ऑक्सीडाइज एट एनोड, करेक्ट, होना चाहिए था इसे राइट, बट ए नहीं होता है। मैंने लिखवा दिया कि होना किसको चाहिए था, वाटर को, लेकिन हो ए नहीं होता है और ए होता है, तो बड़ा अपोजिट बात हो गया ना, कि बोल कुछ और रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि जिसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा, राइट। तो अब यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? ओवर वोल्टेज। तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू थर्म, मैं लिखवा दूंगा सारा पॉइंट, ये मेरे अकॉर्डिंग एक सबसे कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स मतलब अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर शुड बी ऑक्सीडाइज्ड, बट इसका ऑक्सीडेशन में रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। तो वेरी, तो आप सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन का वन बबल निकला, ये वन ड्रॉप, वन बबल्स आउट हुआ, उसके बाद आप 10 मिनट तक वेट कर रहे हैं, तो नहीं तो वेरी स्लो है। थर्मोडाइनमिक्स में बस मुझे एनर्जी का प्रॉफिट और स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस हो लेकिन लाहे हो, धीरे धीरे कोई बात नहीं है। तो थर्मोडाइनमिक्स में मुझे एनर्जी का प्रॉफिट से मतलब है, स्लो रिएक्शन है या फास्ट उससे मतलब नहीं है, राइट। लेकिन जैसे ही लैब में काम कर रहे हैं और रिएक्शन स्लो हो रहा है, एक बबल ऑक्सीजन का, उसके बाद आप 20 मिनट के बाद दूसरा बबल देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा इरिटेट होंगे, आप थोड़ा सा करंट को बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा फास्ट करने के लिए, ज़्यादा फास्ट प्रोसेस को होने के लिए आप करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को, जहाँ से आउटसाइड से जो पावर सप्लाई कर रहे हैं वहाँ से करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे, राइट। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो अब वहाँ पे हो गया, आपका माइंड में चल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो और फास्ट चलना शुरू हो गया, और तब वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का एंट्री हो जाएगा, और काइनेटिकली क्लोरीन आगे निकल जाता है। रेट थर्मोडाइनमिकली ए अलाउड नहीं है, थर्मोडाइनमिकली वाटर का ऑक्सीजन अलाउड है, बट काइनेटिकली अरेज मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद से तो बोल नहीं रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन का ज़्यादा फास्ट है विथ रिस्पेक्ट टू इस। थर्मोडाइनमिकली ए अलाउड है, काइनेटिकली ए अलाउड है, और हम लोग लैब में काम करें तो ऑब्वियसली हम लोग रिएक्शन को थोड़ा मॉडरेट फास्ट ही रखेंगे, हम लोग चाहेंगे गैस ज़्यादा आउट हो, राइट, ज़्यादा फास्ट प्रोसेस एनोड पे हो, तो उस वजह से क्लोरीन का हो जाता है। तो क्लोरीन का यहाँ पे जो रेस में आगे निकल गया ड्यू टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ड्यू टू काइनेटिक फैक्टर। तो अब समझ में आ गया है। और लास्टली हुआ क्या, सारे पॉइंट को लिखवाएंगे वन बाई वन। तो लास्टली हम लोग, फाइनली हम लोग को क्या मिला सर? फाइनली हम लोग को मिल गया कि ए रिएक्शन एनोड पे होगा और ए रिएक्शन कैथोड पे होगा, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करते हैं तो किसमें कितना से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, इसमें दो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, राइट। तो ओवरऑल ऐड करने के बाद क्या मिलता है, ओवरऑल, तो ओवरऑल ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 2H2O प्लस Cl माइनस कन्वर्टेड टू Cl2 प्लस 2OH माइनस प्लस H2 गैस, करेक्ट स्टूडेंट। ये कहाँ पे होगा, एनोड पे कौन सा गैस आउट होगा, एनोड पे क्लोरीन, और कैथोड पे कौन सा गैस आउट होगा, हाइड्रोजन, और सॉल्यूशन में क्या जाते रहेगा, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते रहेगा, राइट। तो फाइनल ऑब्जेक्टिव नीट का एज मेन का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, Cl- का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन, करेक्ट ना। और कौन कौन सा गैस, Cl2 एंड H2, Cl2 कहाँ पे, एनोड पे, H2 कहाँ पे, कैथोड पे, और आपका सॉल्यूशन एसिडिक होता जाता है या बेसिक होता जाता है, एज टाइम पासेस योर सॉल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर बेसिक, इज इट राइट। अब देखिए थोड़ा सा आपको माइंड, जो आप सोच रहे थे, जो होता ना कि सर इतना एनालाइज नहीं करके डायरेक्ट हम लोग कर लेते, तो एक रॉन्गली बट करेक्ट भी तरीका बताता हूँ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते
तो शायद कैथोड पे मोस्ट लाइकली कुछ बच्चे ऐसे भी ट्राई करना चाहेंगे, ये बनाते हैं, राइट, करेक्ट ना? और एनोड पे क्या बनाते हैं? लेकिन आप कैथोड पे सोडियम अगर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, सोडियम मान लेते हैं, इतना आपने नहीं एनालाइज किया, आपको तो यही लगेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज आएगा निगेटिव प्लेट पे और निगेटिव चार्ज आएगा पॉजिटिव प्लेट पे, आपने इसको बना के सोडियम बना दिया, बट सोडियम उस प्लेट के चारों तरफ पानी है, राइट? सोडियम सर्वाइव करेगा? और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सोडियम प्लस वाटर बिकम्स व्हाट, NaOH, अ प्लस हाफ H2, इज इट राइट? तो अगर देखेंगे तो ओवरऑल क्या हुआ, Na प्लस, ध्यान से देखिएगा, अब प्लस H2O, अब प्लस इलेक्ट्रॉन, NaOH, अब प्लस हाफ H2, इज इट राइट? Na प्लस अब प्लस H2O अब प्लस इलेक्ट्रॉन, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaOH NaOH बनकर नहीं रहता, सोल्यूशन में Na प्लस OH माइनस का फॉर्म में रहेगा, करेक्ट ना? तो आपको नहीं लग रहा कि सर रॉन्गली बट करेक्ट भी अगर सोच लेते हैं तो लास्ट में कैथोड पे वही हो रहा है जो हम लोग सही से एनालाइज करके काम किए हैं? देखिए तो लास्टली आपको नज़र क्या है, डिफ, हाँ, वो हाँ वो एक मिनट उसका क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? और कैसे डिसाइड करेंगे तो एज ए टीचर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ जिस एग्जांपल में आप फंस सकते हैं, और डिसाइड करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं कि आज कल आएगा तो ऐसे बोलना है, और डोंट वरी अबाउट दैट कि हाँ जितना यहाँ पे एग्जांपल लेंगे उसी टाइप का कुछ एग्जांपल आएगा, और जहाँ पे अगर ये बात नहीं रहेगा तो वहाँ पे एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट करने में बात बोलना पड़ेगा कि काइनेटिकली ये फास्ट है, स्लो है, थर्मोडायनामिकली ये वैल्यू है, राइट? अदरवाइज आप कैसे डिसाइड कीजिए, मुझे हम लोग को कैसे पता चलेगा, राइट? कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा टीचर को, बट कुछ कॉमन, देखिए कुछ बहुत फेवरेट एग्जाम्पल होता है जिस पर टीचर बात करते हैं और वो बार बार रिपीट होता है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्विलिब्रियम का PCl5। अब आप बोले सर PCl5 दे देगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे मेंटेन होगा? तो भाई PCl5 इतना फेवरेट एग्जाम्पल है कि कम से कम इस पर 100 क्वेश्चन होगा डिफरेंट एग्जाम में, PCl5 ब्रेक इनटू PCl3 प्लस Cl2, इज इट राइट? तो ये तो कुछ बातें कॉमन तो आप हम लोग को याद रखना पड़ेगा, बट जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करवाने की कोशिश किया है तो हो तो ऐसे नहीं रहा था, बट ये जो लिखे हैं वो करेक्ट वाई करेक्ट है या रॉन्गली वाई करेक्ट है? रॉन्गली बट करेक्ट है, बट लास्टली हम लोग को वही देख, ये समझ में आया कि मैंने क्यों कैंसिल कर दिया? इस तरफ Na प्लस और NaOH को किस फॉर्म ब्रेक कर लिए, Na प्लस एंड OH माइनस, तो क्यों ब्रेक कर लिए? तो NaOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaOH NaOH बन के नहीं रहेगा, Na प्लस OH माइनस बन के रहेगा, अल्कली है, राइट? चलिए अब लिखिए, एक पॉइंट लिखिएगा तो नोट कर, पहला पॉइंट बनाइए, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ गिवेन सॉल्यूशन, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ गिवेन सॉल्यूशन, इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यस, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी सॉल्यूशन को आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो आपको लैब में पूछा जा सकता है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर से आपको बैटरी ला कर सप्लाई करना है क्योंकि इसमें तो बाहर से हम लोग पावर देते हैं, राइट, करंट का फ्लो कराते हैं, तो आपको पूछा जाएगा ना कि जो बैटरी लगा रहे हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम कितना अप्लाई करें, दैट्स व्हाई द प्रोसेस शुरू हो जाए, करेक्ट ना? तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल टू इनोट सेल, इसके बराबर रखते हैं इनोट सेल के बराबर, और इनोट सेल तो आप निकाल पाएंगे कैसे, इनोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इनोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इनोट, इज इट राइट? लेकिन इसको मैंने मैक्सिमम बोला या मिनिमम बोला? मिनिमम, बट अगर आप मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो रिएक्शन का प्रोसेस जो रहेगा इज वेरी स्लो। तो 99.9% केस में जो इलेक्ट्रोलिसिस का फेनोमेना इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्केल पे होता है, 99.9% केस में हम लोग जो मिनिमम चाहिए उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखते हैं, और मिनिमम से जितना ज़्यादा करेंगे उसी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं बोलिए? ओवर वोल्टेज। और जब ओवर वोल्टेज करेंगे मतलब आप थोड़ा प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं, राइट? आप कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, प्रोसेस को फास्ट कीजिएगा। और जब प्रोसेस फास्ट करेंगे तब रेस हो जाएगा काइनेटिक्स का और थर्मोडायनेमिक्स का, और उस केस में किसी किसी केस में फॉर एग्जांपल क्लोरीन केस में काइनेटिक फैक्टर आगे निकल जाता है। तो एक और पॉइंट बनाइए, लिखिए, इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड मच ग्रेटर विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड इज मच ग्रेटर विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। करेक्ट? मिनिमम पोटेंशियल, यस, एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। तो मिनिमम के रेस्पेक्ट में जितना एक्स्ट्रा सप्लाई करेंगे उसी को हम लोग नाम देते हैं ओवर वोल्टेज। एक और पॉइंट बनाइए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, लिख लीजिए कोई भी पॉइंट बनाकर, लिखिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वाटर शुड बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वाटर शुड बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड बट ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- टेक्स प्लेस एट एनोड, बट ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- टेक्स प्लेस एट एनोड। इट मीन्स काइनेटिक फैक्टर डोमिनेट ओवर थर्मोडायनेमिक फैक्टर, इट मीन्स काइनेटिक फैक्टर डोमिनेट ओवर थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तो नीट में इतना डेप्थ में नहीं आएगा, बट जेई मेन के बच्चे और एडवांस वाले इसको समझ लीजिएगा कि आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव मिल सकता है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl में Cl- का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डेटा, ऐसे लिखा रहेगा, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर शुड बी टेक प्लेस, बट ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- होता है ड्यू टू, चार ऑप्शन रहेगा, ड्यू टू थर्मोडायनेमिक फैक्टर, ड्यू टू काइनेटिक फैक्टर, एक मिनट, डोमिनेट ओवर थर्मोडायनेमिक फैक्टर, डोमिनेट ओवर थर्मोडायनेमिक फैक्टर। प्लीज एक बार ध्यान से बातों को सुनना है और एक बार में लिख लेना है, इतना स्लो तो बोल रहा हूं, हो गया ना?
चलिए तो एडवांस वाले बच्चे या जेई मेन वाले बच्चे समझ रहे हैं क्या आएगा? तो अगर आएगा कि इन केस ऑफ सी एल माइनस तो क्या बोलना है आपको आंसर में, चार ऑप्शन में, अगर रहेगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फैक्टर, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक फैक्टर, बोथ, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन शुड बी काइनेटिक फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डोमिनेट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में इनसाइड का स्टोरी था ए। अब यहाँ देखिए, अभी जैसे एक स्टूडेंट बोले कि सर कैसे आइडिया मिलेगा, तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl सिखा दिया, अब मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaBr, आप नहीं कर लेंगे जस्ट लाइक दिस? और साथ में सफिशियंट डेटा दिया रहेगा, बट मुझे जहाँ तक अनुमान है जो मैं बैच में इसका पूछता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, जो पढ़ के भी आते हैं, तो 99% केस में बच्चे वही करते हैं, Na+ गया, Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड पे, राइट, रॉन्गली बट करेक्ट, तो करेक्ट ही रहता है, बट उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल हर एक बात को गौर किया, कंपेयर किया। अब सेकेंड पॉइंट बनाए, सेकेंड एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, जिससे इस पर बहुत सारा काम भी चल रहा है ना, कि जनरली हम लोग आगे के डेट में, आज से कौन जानता है 100 ईयर के बाद फ्यूल के नाम पे वाटर ही हो, फ्यूल के नाम पे वाटर हो, और ये बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है, एक्चुअल में फ्यूल सेल नाम सुने हैं आप लोग, पढ़ के आए हैं 12th क्लास, तो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं और वाटर बनता है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे कंट्री में ऑलरेडी बस भी चलना स्टार्ट हो गया है, चल रही है, और इसका फायदा बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री, इज इट राइट? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, तो आप किसका इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं? सर प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करना स्टार्ट करेंगे या पहले डिसाइड करेंगे कि रेस में कौन कौन है? प्योर वाटर समझते हैं, जो आप पीते हैं वो नहीं है प्योर वाटर, वो मिनरल वाटर है। हम लोग जो पीते हैं प्योर वाटर, जो स्लाइन चढ़ता है डिस्टिल वाटर, राइट, बट हम लोग डिस्टिल वाटर नहीं पीते हैं, हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं जिसमें सॉल्ट रहता है, और मिनरल वाटर ही हम लोग के लिए हेल्थ के लिए बेटर है, अदरवाइज प्योर वाटर डिस्टिल वाटर पीजिएगा तो डाइजेस्ट ही नहीं करेगा। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं प्योर वाटर, प्योर वाटर में क्या क्या रहेगा रेस में? सर प्योर वाटर में रेस में रहेगा H2O, H+ और OH-। देखिए तो मैंने सही लिखा, तो भाई प्योर वाटर में ये तीन रहेगा, प्योर वाटर न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल का मतलब H+ जीरो नहीं होता है, करेक्ट, बट प्योर वाटर अगर है मतलब न्यूट्रल है तो इसको तो इग्नोर कर देना है, क्यों इग्नोर करना, थोड़ा एक बार बोल दीजिए आप लोग। यस, वेरी लेस। तो सर जब इसको, इन दोनों को इग्नोर ही कर दिए तो सिर्फ बचा कौन? वाटर, राइट, घबराने की बात नहीं है, वाटर का मतलब बचा हुआ है ना, इसका मतलब सर इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसी का रिडक्शन होगा, राइट, इसी का ऑक्सीडेशन होगा और इसी का रिडक्शन होगा, एग्री ना? तो भाई इसमें तो अब यहाँ पे जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे डिसाइड करेंगे, अब यहाँ पे जब आपके पास एक ही पार्टिकल है और वही दोनों काम करने के लिए, तो क्या यहाँ पे OP और RP का वैल्यू देने का मुझे रिक्वायरमेंट है? वो कब देते हैं? जब रेस है, राइट। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होगा, और अभी जस्ट पढ़ाए थे ना कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस आउट होता है, ओके, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन गैस, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, करेक्ट ना? तो ए होगा ऑक्सीडेशन का, मतलब एनोड पे, और वाटर का ही रिडक्शन होना है, तो वाटर का रिडक्शन होगा, तो आज पढ़ाए थे वाटर का रिडक्शन करते हैं तो कौन सा गैस? H2 गैस, करेक्ट, और मीडियम में क्या जाएगा, और यहाँ पे
यस टू इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, टू से। तो जब ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा सर, 6H2O हो जाएगा। देखिए तो मैं सही हूँ, प्लस 2H2, अब प्लस O2, अब प्लस 4, यहाँ भी 4H+, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4OH- हो जाएगा। एग्री बोलना है भाई, बोलते ही नहीं हैं। देखिए तो मैंने सही लिखा। अरे सबसे फास्टेस्ट आयनिक रिएक्शन है, फास्टेस्ट आयनिक रिएक्शन। किसी सॉल्यूशन में H+ और OH- मिलाएंगे तो अलग अलग रहेगा, कंबाइंड टुगेदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, ओवरऑल H+ OH- कंबाइन होता है राइट, और वाटर बनता है जी राइट। नहीं बहुत बहुत लोग सोचते हैं कि सर यहाँ देखिए थोड़ा सा एक डेमो दे देते हैं क्या होता है, बोली तो बोलते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जब बोलने का टाइम आता है तो चुप हो जाते हैं। नहीं वेरी गुड, आप लोग को लगा होगा सर सर यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन किया, सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन नहीं किया है। वजह यहाँ देखिए यह स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में इस फॉर्म में रहेगा इट राइट, ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वाटर में इस फॉर्म में रहेगा, ए और ए तो कैंसिल हो गया भाई, बचा कौन OH- H+ राइट। इसका मतलब है कि NaOH और HCl जब आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो उसके लिए Na+ और Cl- बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं है करेक्ट। रिस्पॉन्सिबल कौन था, ए और ए आपस में बॉन्ड बनाया है करेक्ट ना। इसी दबा जाए कि H+ और OH- रिएक्शन के ड्यूरेशन में, इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरेशन में अगर प्रोड्यूस होता है, ए बनेगा कंबाइन होकर वाटर बन जाएगा, तो सर 6H2O 2H2 और प्लस O2, इसको क्या 4H2 लिख दें, और दोनों तरफ वाटर रखना सही रहेगा, तो इसको कैंसिल करके यहां पे दो वाटर बचेगा राइट। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस में ओवरऑल रिएक्शन ए होता है स्टूडेंट, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ओवरऑल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है करेक्ट ना। लिख लीजिएगा तो आज के बाद याद रहेगा कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, 2H2 अब प्लस O2, ये कहाँ पे आउट होगा सर, कैथोड पे राइट, ये कहाँ पे आउट होगा सर, एनोड पे। प्योर वाटर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं प्योर वाटर इज वेरी पुअर। भाई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए कोई तो ट्रांसपोर्टर रहेगा जो चार्ज करियर रहेगा, चार्ज को लेकर आगे बढ़ेगा, सर्किट कंप्लीट करेगा। अब प्योर वाटर में आयंस क्या है, H+ OH- बहुत ज़्यादा अमाउंट में और वेरी लेस अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट, और इलेक्ट्रोलिसिस हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो सर्किट शुड बी कंप्लीटेड राइट। और सर्किट कंप्लीट करना है और सर्किट के बीच में ही कंडक्टिंग बिहेवियर सॉल्यूशन बहुत लेस है, वेरी पुअर कंडक्टर है सॉल्यूशन, तो क्या वो बहुत फास्ट होगा या वेरी स्लो रहेगा, वेरी स्लो रहेगा। दिस इज द वजह कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर इज ए स्लो फिनोमेना, स्लो प्रोसेस रहेगा। एक लाइन लिखे तो सिंस प्योर वाटर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंस प्योर वाटर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयरफॉर फॉर मेक इट फास्ट, देयरफॉर फॉर मेक इट फास्ट फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, therefore for make it fast few drop of H2SO4 should be added in water
अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस करना है प्योर वाटर, मतलब मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है वाटर का, बट उसमें H2SO4 थोड़ा मिलाकर करेंगे। इसका मतलब मेरे सेंटेंस के अंदर ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस ही करना है, राइट? ओवरऑल तब इसी को मैं नेक्स्ट एग्जांपल बना लेता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में आपके सॉल्यूशन में कौन कौन सा पार्टिकल है? फर्स्ट सर वाटर है, वेरी गुड, H+ है और SO4 2- है, करेक्ट ना? और कौन है? वेरी गुड, जहाँ भी वाटर है एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, वहाँ पे OH- नहीं रहता है? रहता है, वेरी गुड। लेकिन आपको लगता है कि सर प्योर वाटर में जितना OH- रहेगा, जब उसमें H2SO4 थोड़ा थोड़ा मिला देंगे तो OH- और भी कमती हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ पे जो OH- रहेगा वो 1×10⁻⁷ रहेगा या इससे भी कम हो जाएगा? सर इससे भी कम हो जाएगा। तो भाई इतना पे ही इग्नोर कर रहे थे तो यहाँ तो और दो बार इग्नोर करना पड़ेगा, राइट? व्हाट अबाउट दिस वन, इसको रखे या इग्नोर कर दें? अब इसे नहीं इग्नोर करेंगे, यही तो ऐड किए हैं, राइट? इसलिए एक ए रहेगा, एक ए रहेगा और एक रहेगा। तो लास्ट में मेरे हाथ में कितना पार्टिकल? तीन पार्टिकल। अब ऑक्सीडेशन के लिए सर देखिए, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इसे आप लोग को नष्ट इक्वेशन ही पढ़ाया, राइट? नष्ट इक्वेशन से, जहाँ नष्ट इक्वेशन से जो मैंने क्लास स्टार्ट किया, वो क्लास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मच इजियर था विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टू थ्री क्लास। तो फर्स्ट टू थ्री क्लास में बहुत कुछ बोलना पड़ता है, राइट? मैं तो सब एज ए टीचर क्या सपोज कर पढ़ाता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हैं, और वहाँ से चलते हैं तो हर एक बात, SHE क्या होता है, उसका क्यों लेते हैं, क्या सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। वैसे ही फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस किसका होगा किसका नहीं होगा, दिस इज मच कॉन्सेप्चुअल विथ रेस्पेक्ट टू फराडे लॉ। उसमें तो क्या है, फार्मूला दे दिए, चलिए अब बनाना स्टार्ट कीजिए, वो बन जाएगा। बट यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अब बोलिए ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्या ऑक्सीडेशन के रेस में यह है? तो अब रेस में कौन है? वाटर और एक मिनट, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस का अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, तो जनरली सबसे पहले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है सेंट्रल एटम। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? आपको एक टॉपिक ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट ऐसा कुछ पढ़ाए हैं कि H2SO4 बिहेव एज, पहला ऑप्शन वनली OF, वनली RA, बोथ नॉन ऑफ दिस, मतलब हाउ कैन बी आइडेंटिफाई? तो H2SO4 बिहेव एज वनली व्हाट, कौन सा ऑप्शन रहेगा या बोथ वाला रहेगा? H2SO4 बिहेव एज वनली OA, वनली RA, बोथ नॉन ऑफ दिस, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसके लिए मैंने आपको क्या हिंट दिया था कि सेंट्रल एटम को देख लीजिएगा, इसका सेंट्रल एटम में सल्फर है और सल्फर का है ऑक्सीजन नंबर +6, मैक्सिमम पे है, राइट? इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब इसका सर ऑक्सीजन नहीं करेंगे तो रिडक्शन करेंगे, राइट? सिमिलर फैशन यहाँ पे SO4 2- है, इसमें सल्फर +6 में है, करेक्ट ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से सब लोग, नंदन ज्वाइन किए हुए हैं, हिमाश्री हिमाश्री ज्वाइन किए हुए हैं, चलिए तो बहुत खराब बात है। यहाँ देखिए, तो SO4 2- में सल्फर +6 में है, इट राइट? तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम पे अगर फोकस करेंगे, सेंट्रल एटम पे फोकस करते हैं, तो सर इसका नहीं होना चाहिए,
जब इसका नहीं होगा तो अल्टरनेट ऑप्शन हम लोग पास वाटर था, करेक्ट। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि सर इस केस में क्या करते जब मेरे पास ऑक्सीडेशन के लिए सिर्फ सल्फेट ही रहता, तो माइंड में भी तो आना चाहिए कि सर यहाँ पर दो ऑप्शन था, ठीक है इसका नहीं होगा तो इसका ले लेंगे, बट अगर जहाँ पे यही रहता तब क्या करते और इसको ऑक्सीडेशन करवाना है, इज इट राइट? इफ ओनली वन पार्टिकल लाइक सल्फेट, ओनली वन पार्टिकल लाइक सल्फेट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर ऑक्सीडेशन, देन व्हाट? तो उस केस में तो सेंट्रल एटम का होगा नहीं, और सेंट्रल एटम का जब नहीं होगा तब हम लोग सराउंडिंग एटम पे जाएंगे, करेक्ट, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है, तब फिर ऑक्सीजन पे जाएंगे और माइनस टू से माइनस वन करेंगे या जीरो करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन जहाँ पे सेंट्रल का नहीं हो सकता है और बगल में और कोई एक पार्टिकल है, तो पहले तब उसमें सराउंडिंग एटम ना देखे उस पार्टिकल के लिए फोकस करेंगे। आप समझे मैंने क्या बताया? सराउंडिंग एटम का ऑप्शन तब देखेंगे जब आपके हाथ में कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, देर इज नो ऑप्शन, राइट? बट यहाँ तो एक ऑप्शन है ना, इसका नहीं होगा तो ये आगे निकल जाएगा। इसका मतलब एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे वाटर जाएगा और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, राइट? अब आते हैं कैथोड के लिए। यहां देखिए, कैथोड पे जाने के लिए रेस में कौन है? सर या तो वाटर नहीं तो H प्लस, सल्फेट को नहीं लेंगे। सर सल्फेट को क्यों नहीं लेगा? तो भाई कैथोड क्या था? निगेटिव प्लेट, राइट? और निगेटिव प्लेट पे निगेटिव पार्टिकल तो नहीं, तो रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इसलिए कैथोड पे भेजने के लिए वाटर एंड एच प्लस, करेक्ट। और वाटर और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर एंड एच प्लस में एच प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल होता है जीरो, करेक्ट। एच प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जीरो ही तो लेते हैं हाइड्रोजन का, और वाटर का भी जस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देखें निगेटिव में होता है, राइट? तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? एच प्लस का ज़्यादा है, करेक्ट। ये आगे निकल जाएगा, चलिए। अब उसके बाद ये मेरा हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ इक्वेशन सेकंड। इसे फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ सर? 2H2O अब प्लस 4H+ कन्वर्टेड इनटू, बोलना है 4H+ अब प्लस O2 अब प्लस 2H2। 4H+ आपस में कैंसिल, ओवरऑल क्या मिला? ओवरऑल मिला 2H2O कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 2H2। तो प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे और उसमें बाहर से थोड़ा एसिड मिलाकर इलेक्ट्रोलिसिस किए, ओवरऑल लास्ट रिएक्शन डिफरेंट मिला या ओवरऑल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस ही दिख रहा है? सेम दिख रहा है। दिस इज द वजह कि इंडस्ट्री में प्योर वाटर, अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आई और वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस है, तो प्योर वाटर लेकर काम करेंगे या थोड़ा उसमें एसिड डाल देंगे ताकि रिएक्शन बिकम्स फास्ट एंड फास्ट, राइट? तो आपको दो चीज सिखा है, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस एंड डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, लिख लीजिएगा। सबको क्लियर है ना? चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, हाँ क्योंकि एच प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, 0 वोल्ट था, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, इससे पहले के एग्जांपल में दिखाया हूँ, दैट्स व्हाई एच प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रेस में आगे निकल जाएगा, करेक्ट। चलिए इसको हटाएं, अब नेक्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, थोड़ा गेस कीजिए। तो
एक जो काम कर रहे हैं, यकीन मानिए इसके हेल्प से ही आप इस चैप्टर का निकल बना पाएंगे। जो मेरे माइंड में भी चल रहा है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बट कुछ तो काम करना पड़ेगा। आपको यही चीज़ नहीं करने आएगा तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कीजिएगा? न्यूमेरिकल है जिसमें रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। भाई आपके हाथ में क्या क्या है? सर कॉपर 2 प्लस है, राइट, SO4 2 माइनस है, वाटर है, H प्लस है, OH माइनस है। सर इन दोनों को इग्नोर कर देना है, नहीं इग्नोर करना है। नेक्स्ट, अब फिर जब इन दोनों को इग्नोर करेंगे तो फिर किसका करेंगे? तो अब आपके पास क्या बोले, बाकी जो बचा है, तो बाकी जो बचा है उसमें रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन के लिए पहले बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिडक्शन के लिए आपके हाथ में क्या है, या तो CO2 प्लस नहीं तो वाटर। तो CO2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब कॉपर बनाते हैं तो इसका E0 RP का वैल्यू मुझे तो इसका याद ही हो गया है, 0.34 वोल्ट था, राइट। अब और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो देखे थे वो क्या था, H2 और प्लस OH माइनस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में था, करेक्ट। तो आपको नहीं था कि वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और उसके बाद ऑक्सीडेशन के लिए क्या ऑक्सीडेशन इसका होगा? बोलते रहना है भाई, क्योंकि सर कॉपर 3 प्लस देखने को नहीं मिलता है, यही है ना लॉजिक। तो अब बचा कौन, SO4 2 माइनस और वाटर, इन दोनों को पहले ही इग्नोर कर दिया है। इसका लेंगे जब ये प्रेजेंट रहेगा तो क्यों नहीं लेंगे? सर ये ऑलरेडी प्लस 6 है सेंट्रल एटम, और सेंट्रल अगर मैक्सिमम में है तो सराउंडिंग का लेते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं, बट यहाँ पे मेरे पास वाटर ऑप्शन बचा हुआ है, इट राइट। और वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है? सर O2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल आपका रिएक्शन ये हुआ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा? कॉपर मेटल, राइट। एनोड पे क्या आएगा? सर ऑक्सीजन गैस। सॉल्यूशन में क्या जाएगा? H प्लस, मतलब मीडियम बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक, राइट। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव नीट वाले बच्चे वो तो आएंगे, एक मिनट रुकिए। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना, नीट वाले बच्चे आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन ये बहुत हम लोग के ज़माने में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता था, मैंने हर टेस्ट में इस पे एक क्वेश्चन रहता था, इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक, बेसिक, पीएच कम ज़्यादा, ऐसे कर घुमा कर। तो ऐसे ही एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और एज टाइम पासेस देन योर सोल्यूशन बिकम्स वाट, मोर एंड मोर एसिडिक ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एच प्लस, राइट। और इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर लीजिए, किसमें कितना से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा, से फर्स्ट में से दो से मल्टीप्लाई करके सेकेंड को ऐड कर दीजिए, ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा? ओवरऑल इक्वेशन रहेगा सर 2 CO2 प्लस और प्लस 2 H2O कन्वर्टेड इनटू 2 कॉपर और प्लस O2 अब प्लस 4H प्लस। देखिए तो सही है क्या, इसको हम लोग बैलेंस केमिकल सेल रिएक्शन बोल सकते हैं? इज इट बैलेंस? सर चार्ज वाइज भी बैलेंस हो गया, 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस तरफ भी 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 कॉपर 2 कॉपर, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, राइट, इट इज बैलेंस, नहीं ना? तो यार अब एक मिनट, लेट मी फिनिश। सर इसका मैं आपको टाइम दूंगा, मुझे बोलने दीजिए। इसमें क्वेश्चन ऐसे रहेगा न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ मास प्रोड्यूस एट कैथोड, बाकी कुछ नहीं, बाकी 0/0 सन्नाटा। हाउ मच अमाउंट ऑफ मास प्रोड्यूस एट कैथोड,
मतलब आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन देकर आपके ऊपर छोड़ दिया कि यू हैव टू डिसाइड कि कॉपर पे क्या बनेगा, और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कॉपर पे कौन जाएगा तब तक आप मार्क्स कैसे निकालिएगा, राइट? समझे कि नहीं समझे मैंने क्या बोला? और उसमें बाकी ये बात सबको पता है, आप लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि नंबर ऑफ फराडे इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, जितना फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं उतना ही नंबर ऑफ फराडे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो पता है, पर जाएगा कौन उसका, उसी का तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब हम लोग को पता है ओके कैथोड पे जाएगा कॉपर, तो अगर 2 फराडे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेंगे, ये आगे पढ़ाऊंगा फराडे लॉ में, तो 2 फराडे से कॉपर का 2 इक्विवेलेंट बनेगा, और कॉपर का 2 इक्विवेलेंट बनेगा तो इक्विवेलेंट वेट पता रहेगा, तो मास इक्वल टू हम लोग कर लेंगे यहाँ पे काम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, कैसे बोलते हैं मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वेट, वैसा ही राइट। सेकेंड इसमें क्या आएगा, सेकेंड आएगा कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट एनोड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट एनोड एट दिस कंडीशन, कंडीशन दे दिया जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन हम लोग गैसेस सेक्शन पे आए पीवी इक्वल टू एनआरटी, बट वो पता तो होना पड़ेगा कि कौन सा गैस है, कौन सा गैस छोड़िए, बस ये तो पता होना पड़ेगा गैस प्रोड्यूस हो रहा है एनोड पे, राइट। अब थर्ड आफ्टर, अब एक ही क्वेश्चन को और मुझे और कॉन्सेप्चुअल करना है, तब मैं बोलूँगा कि आफ्टर दिस फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना देखे करंट और टाइम देता है, राइट, कितना करंट इतना टाइम, तो करंट इनटू टाइम करके चार्ज निकाल लेंगे, बोलते ही नहीं जब करंट इनटू टाइम से चार्ज नहीं निकलेगा आई इनटू टी, तब और उसको 96500 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फराडे, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बैक का तो बाइंड चल रहा है कि आप लोग क्लास 12th पास कर गए हैं या उसका देने वाले थे उसके बेसिस पे, इतना तो जानते ही होंगे कि चार्ज को 96500 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ फराडे मिलता है, इज इट करेक्ट? और नंबर ऑफ फराडे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, तो वहां से क्या हम लोग ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल के ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लेंगे या ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्रैश कोर्स बच्चे, घबराइए नहीं, जितना भी मैं बात बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ, लेकिन आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन का प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया था मोल कॉन्सेप्ट का, शेयर कर दूंगा थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ऐसे मैं फराडे लॉ को स्टार्ट करने से पहले एक बार ब्रीफ कर दूंगा मोलरिटी नॉर्मलिटी या एन फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स या लॉ ऑफ के इक्विवेलेंट। हाँ बोलिए स्टूडेंट, आप में से कोई कुछ डाउट पूछ रहे थे? हाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना किसका है? बोलिए बोलिए। तो सर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें जिंक क्यों लेंगे, ये हम लोग डेनियल सेल थोड़े बनाने जा रहे हैं, बैटरी नहीं बनाने जा रहे हैं, राइट? हम लोग का सॉल्यूशन दिया गया है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, उसमें जिंक क्यों डालेंगे, वो तो हम लोग बैटरी बनाने के लिए डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन था कि जिंक एंड इट्स आयन कॉपर एंड आयन, वो अलग स्टोरी था, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल कर रहे थे बैटरी बना रहे थे, राइट? यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन दिया और बस मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक था भाई, सोल्यूशन दिए हैं और इसमें डायरेक्ट करंट भेज रहे हैं डीसी, राइट? एसी भेजते हैं या डीसी भेजते हैं, क्या भेजते हैं? सर एसी भेजेंगे तो जहाँ पे थे वहीं पे रह जाएंगे, चार्ज हम लोग काम कर रहे हैं क्या, चार्जिंग का चार्ज होगा ही नहीं, थोड़ा करंट इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा बनेगा फिर कंज्यूम हो जाएगा, थोड़ा बनेगा फिर, राइट, समथिंग लाइक दैट। चलिए तो बाकी एग्जांपल का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आते रहेगा तो वहाँ पे ही मैं रिएक्शन लिखते रहूँगा, बट एक रफ आइडिया दिया कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस अगर करना रहेगा तो कैसे सोचना है, करेक्ट ना? बट फिर भी इसको लिख लीजिए,
मान लेते हैं कि आपके पास इतना सारा आयन है और सबका रिडक्शन का बात किया जा रहा है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के आयन का रिडक्शन होने का चांस ज़्यादा है, वजह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, राइट। इसका मतलब इतने सारे आयन में, ये मैं एक सीक्वेंस ऑर्डर में दे दिया हूँ, इतने सारे आयन में सबसे जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का आयन रहेगा उसका रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के आयन का रिडक्शन होने का टेंडेंसी कम, क्योंकि पोटेशियम का पोटेशियम पोटेशियम प्लस बनने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, राइट। दैट्स वाई इन सब के बीच में अगर रेस रहेगा, इसको रटना नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही एज ए टीचर हूँ तो कुछ तो लिखना है, तो इन सबको एक सीक्वेंस वाइज रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग से दिया हूँ। कहने का सेंस है कि अगर मेरे पास ए तीन आयरन रहेगा, इसके बीच में रेस रहेगा, तो इसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। अरे मेरे पास ए तीन आयरन रहेगा तो ए आगे निकल जाएगा, मेरे पास ए रहेगा सी यू टू प्लस और एच प्लस, सी यू टू प्लस एच प्लस में कंपेयर होगा, इसका रिडक्शन होने का टेंस ज़्यादा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट है, राइट। तो इस सीक्वेंस में जाएगा, अब यहाँ पे इसको नोट करके एक ऑर्डर लिखिए, और यहाँ पे किसका ऑर्डर है वो मैं यहाँ पे नोट करवाता हूँ, लिखिए। तो इन केस ऑफ टू और मोर इन केस ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इन केस ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन इन सच केसेस दैट आयन शुड बी रिड्यूस्ड एट कैथोड देन इन सच केसेस दैट आयन शुड बी रिड्यूस्ड एट कैथोड हुज रिडक्शन पोटेंशियल आर मोर हुज रिडक्शन पोटेंशियल आर मोर। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में अगर एक से वन मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो जनरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट पे जाना पसंद करेगा, इज इट राइट। तो उसके बीच में अगर रिडक्शन होने का ट्रेंड अगर रेस रहेगा तो उस रेस में कौन आगे निकल जाएगा, इन जनरल कौन आगे निकल जाएगा, इन जनरल बोल रहे हैं थर्मोडाइनमिकली, कभी कभी काइनेटिकली कुछ और भी हो जाता है, इन जनरल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वो रेस में आगे बढ़ जाएगा, करेक्ट ना। अब यहाँ देखिए, आप चीज़ों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, कि मैं ओपी का ऑर्डर दिया हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिसका सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जिसका सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा उसका वो ऑक्सीडेशन होने में सबसे रेस में पीछे रहेगा, जब कोई उपाय नहीं रहेगा तब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, करेक्ट ना। इसका मतलब इसके लिए अगर हम लोग को एक लाइन लिखवाना हो कि इफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ निगेटिव आयन्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली निगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पर जाएगा, और जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पॉजिटिव प्लेट एनोड है, राइट। लिखे इफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ निगेटिव आयन्स प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, इफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ निगेटिव आयन्स प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, देन दैट निगेटिव आयन should be oxidized, then that negative ions should be oxidized whose oxidation potential are more, whose oxidation potential are more. Then that negative ions should be oxidized whose oxidation potential are more. Hello everyone.
बोलिए। तो देखिए, एक मोटा मोटी रफ आइडिया था कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, जैसे कैसे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा रहा था हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल, या कैसे हम लोग सेल डायग्राम बनाते हैं, राइट, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन लिखते हैं, करेक्ट है भास्कर? तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस का कैसे रिएक्शन लिखेंगे तो आप तो लिख पाएंगे मोटा मोटी रफ आइडिया मिलने से। फॉर एग्जाम्पल, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, एक्वा सोल्यूशन ऑफ, आप लोग कीजिए तो एक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, डू इट फास्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब आपके पास कौन कौन सा आयन हो गया सर, Ag प्लस NO3 माइनस, राइट, H प्लस OH माइनस एंड वाटर, इसको तो भाई इग्नोर कर देना है, नहीं। अब रिडक्शन के लिए सोचेंगे तो सर रिडक्शन के लिए ये तो जाएगा नहीं, रिडक्शन का मतलब निगेटिव प्लेट पर जाना है और निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होगा, राइट भाई, आप लोग को ये समझना पड़ेगा, ये पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रोस्टेट में कैपेसिटर पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लगाएगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लगाएगा, राइट, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा, करेक्ट ना, या सर उल्टी गंगा बहा देंगे, ऐसा नहीं करना है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो रिडक्शन के लिए कौन आपके पास है, Ag प्लस और H2O, राइट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है और Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, समझ गए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, तो अप्लाई योर कॉमन सेंस। ये दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बट इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट, इतना आसान तो था, ए बन जाएगा, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन के लिए रेस में कौन है सर, ऑक्सीडेशन के लिए रेस में है मेरे पास कौन सा, इसका तो ऑक्सीडेशन करेंगे नहीं, एनओ थ्री माइनस और वाटर, लेकिन सर अभी आपने इतना मतलब इस पर एम्फेसाइज करके फोर्स करके बताया है कि सेंट्रल एटम का अगर हाईएस्ट में रहता है तो उसको इग्नोर करते हैं, राइट, अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कौन, वाटर का ऑक्सीडेशन करना, राइट, अब वाटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इस पर 200% गारंटी है कि मेरा क्लास असाइनमेंट में इस पर क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर फिर मत पूछिएगा कि सर इसमें कौन सा गैस रिलीज होगा, कभी कभी होता है ना कि अच्छा ये तो ऐसे ही हो रहा है, चलो तो अभी तो निकल शुरू ही नहीं हुआ है, और मैं जो एग्जांपल लेता हूँ उसका मतलब मैं अपने आप को हेल्प करता रहता हूँ कि आगे कब असाइनमेंट में ऐसा एग्जांपल है न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पे बच्चे मुझसे फिर हेल्प ना लें, खुद से डिसाइड करें कैथोड पे कौन जाएगा, नोट पे कौन जाएगा और किसका मास निकालना है, करेक्ट। ये होगा ठीक है ना, और बाकी ऐड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, कैसे, इसमें फोर से मल्टीप्लाई करके, राइट, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी कहाँ कुछ बचा, हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग का इंटरेस्ट देखकर एक एग्जांपल मुझे और याद आ गया, और वो एग्जांपल ऐसा है जैसे कभी कभी होता ना स्कूल के एग्जाम, राइट, फिर से एक नया सर्कुलर आ गया है, लगता है पता नहीं अगला साल भी शायद बच्चे के लिए कुछ अलग, इतना ना प्लान चेंज हो रहा कि बच्चे भी पजल हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा।
अरे उसमें तो है कुछ नहीं, लेकिन बच्चा तो ज़रा प्लान ही समझते रह जाएगा, प्लस सिलेबस रिड्यूस कर। तो देखिए सिलेबस रिड्यूस करने में बहुत पंगा है भाई। यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए तो स्टूडेंट, मैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में ऐसे सिलेबस रिड्यूस करता भाई, नष्ट इक्वेशन रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल नहीं रहेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल नष्ट इक्वेशन पढ़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात रेजोनेंस नहीं रहेगा जी, ऑर्गेनिक रिएक्शन रहेगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में आएगा, ऑर्गेनिक माइनस रेजोनेंस इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, फिर देखिए बोर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा जी, लेकिन उसमें रदरफोर्ड नहीं रहेगा। तो भाई रदरफोर्ड ऐसे भी लोग नहीं पढ़ता है मॉडल, करेक्ट। इसमें अब ले दे के सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा, रिएक्शन रहेगा, आइसोमेरिज्म पढ़ाना पड़ेगा। अब वहाँ पे जो उतने तो सही से जो आप करेंगे तो उसमें है कि आप क्या कीजिएगा, अभी उन लोग के पास भी कोई उपाय नहीं है। इंट्रेंस में तो भाई चाहिए ही होगा, नहीं तो इंट्रेंस में अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर ऐसा डॉक्टर बनेंगे कि ऑपरेशन कर दिया और सीजर अंदर ही रह गया, और ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। पता चला कि ब्रिज बना रहे हैं, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोलैप्स कर गया, सेंटर ऑफ मास पे रखे नहीं सब कुछ, एक लाइन पे टॉपलिंग हो गया। देश चलाना है ना, जैसे अभी आप कैसे फटाक से वैक्सीन आ गया, अगर इतना टेक्नोलॉजी या इतने क्वालिफाइड लोग नहीं रहते तो हो पाता? तो जो कंट्री को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेट करता है, बट उसके बाद IITians, NITians, मतलब इंजीनियर डॉक्टर, भाई इंजीनियर डॉक्टर बहुत बड़ा बैकबोन है कंट्री का। हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा, कोई समझते हैं कितना बड़ा होगा? डॉक्टर कितना आज के डेट में, ठीक है उसमें एक्सेप्शन होता है, हर जगह एक्सेप्शन है अच्छा खराब, बट इन जनरल देखते हैं आप किसी के पास इलाज करने के लिए कुछ छोटा सा बीमारी लेकर भी अगर जाते हैं तो सामने जो डॉक्टर रहता है उसको आप गॉड से कम नहीं फील करते हैं, आपके लिए है, और जो बोलता है एकदम हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे, राइट। तो डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत रिस्पेक्टेड, मतलब नोबेल प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है। अब क्या होता है काम करते करते लोग इरिटेट हो जाते हैं थोड़ा, दूसरी बात है, बट अदरवाइज बहुत नोबेल प्रोफेशन है, और उसे पढ़ना भी पड़ता है और बहुत डेप्थ का पढ़ना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस कम कर देगा, इजी क्वेश्चन दे देगा, तो फिर फिल्टर कैसे कर पाएगा? तब तो सब लोग डॉक्टर बन जाएगा, तो पेशेंट कौन रहेगा? चलिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, ये स्कूल के एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था आज से 3 साल पहले। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, या इवन प्योर H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, उतना छोड़िए, ऐसे कॉन्सनट्रेटेड लीजिए ज़्यादा बेटर है। ये आज का लास्ट एग्जाम्पल मेरी तरफ से। एवरी वन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसे ब्रेक करना है आज के बाद, अगर आयन में ब्रेक करना है तो, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब लेकर काम कर रहे हैं तो उस वाटर को तो H2SO4 ही एब्जॉर्ब कर लेगा, H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग इट, राइट। इसलिए फिर आपके पास वाटर नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, तो सिर्फ आपके हाथ में क्या है, H प्लस और HSO4 माइनस, इज इट राइट। तो रिडक्शन किसका होगा, H प्लस का, H2। और ऑक्सीडेशन सर किसका होगा, उपाय है क्या आपके पास? आप दो ही चीज है ना, अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर वाटर 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 नहीं है यहाँ पे, वाटर को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है सर? ये आप कॉन्सेंट्रेट, एक तो H2SO4 उसमें कॉन्सेंट्रेटेड, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वाटर वहाँ पे नहीं मानेंगे, ठीक है। HSO4 माइनस, और आपको क्या बताया था कि सेंट्रल एटम का हम लोग अगर हाइएस्ट रहता है तो उसको इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम पे +6 है सल्फा का, राइट। बट इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है?
इस तो जो भी दिमाग लगाना है इसी पे लगाना है, तो जब सेंट्रल का नहीं होगा तो सराउंडिंग का सोचेंगे, राइट। और सराउंडिंग अगर सोचेंगे तो सराउंडिंग में मतलब सराउंडिंग में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन का करेंगे नहीं, ऑलरेडी प्लस वन में है, प्लस वन से प्लस टू में जाएगा नहीं, तो ले देकर सर ऑक्सीजन बचा, राइट। तो इस केस में H2O8 बना लेंगे और प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सल्फर का प्लस सिक्स ही रहेगा, बट यहाँ पे सम ऑफ द ऑक्सीजन बिकम्स पेरोक्सी ऑक्सीजन, और डैम श्योर में H2O8 का एग्जाम्पल लिया होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, और नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन निकालने के लिए बताया होगा। तब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हुआ HSO4- का ही, पर सल्फर का हुआ या ऑक्सीजन का हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, और उसमें से माइनस टू वाला कुछ ऑक्सीजन माइनस वन में चला गया है, राइट। इसमें दो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ओवरऑल क्या बना, 2H प्लस प्लस 2HSO4 माइनस कन्वर्टेड टू H2S2O8 अब प्लस H2, समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव में एक बन सकता है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में आप लोग का फेवरेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब फैराडे लॉ, ठीक है, और वहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ भास्कर, याद है आप ही के लिए काम कर रहा हूँ पेपर का। थैंक यू एवरीवन। पेपर पेपर मिल जाएगा बहुत जल्दी।